हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनम एंड वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ द थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर आर स्किन। हमारी स्किन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू वेदर उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। पोषण की ज़रूरत हमारी स्किन को भी होती है, तो उसके लिए मैं आज आपको थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है क्या। CTM, क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये तीनों स्टेप बहुत ज़रूरी हैं, और स्पेशली मेकअप से पहले। अगर आप मेकअप से पहले इन थ्री स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका मेकअप फ्लॉलेस एंड वो बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा। समर एंड विंटर्स दोनों के लिए ये तीनों स्टेप बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप दिन में दो बार या दिन में एक बार या वीक में दो तीन बार ये स्टेप्स फॉलो करते हो, आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो हमेशा रहेगा। सो इन तीनों स्टेप्स के लिए मैं DIY लेके आई हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं जिसको हम नहीं खरीद सकते हैं। सो DIY से क्या होगा कि आप घर पे ही उन चीज़ों को बना पाओगे और आपको मार्केट से महंगे प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इन तीनों प्रोडक्ट्स का DIY कैसे बनाया है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट भी आपको प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिंजर बनाने जा रही हूँ। क्लिंजर के लिए यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आपके पास जो भी एलोवेरा जेल है आप उसे यूज़ कर सकते हो। गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल मैं यहाँ पे इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि ये पैराबन फ्री होता है और स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लिया है। इसके साथ यहाँ पे मैं ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून ही आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करना है। ये ग्लिसरीन आपको केमिस्ट की शॉप से इजीली मिल जाएगी। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड कर लिया है। ये हमारा क्लिंजर रेडी हो गया है। आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और एक थिक कंसिस्टेंसी में बना लेना है। तो ये हमारा क्लिंजर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहो तो इसे एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर सकते हो और 1 वीक के लिए इजीली यूज़ कर सकते हो, बट एयर टाइट कंटेनर में ही ऐड करना है। तो दिस इज़ अवर रेडी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग। तो टोनर के लिए मैं यहाँ सबसे पहले एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ कर रही हूँ। एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये हमारी स्किन से डर्ट और इम्प्योरिटीज को निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने एप्पल साइडर विनेगर एक कंटेनर में ले लिया है। इसके साथ ही उतनी ही क्वांटिटी में मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। सेम क्वांटिटी में ही आपने रोज़ वाटर लेना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप सिंपल फिल्टर वाटर का यूज़ भी कर सकते हो। तो सेम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर ऐड कर लिया है। तो ये हमारा टोनर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे आप एक स्प्रे बॉटल में या एक कंटेनर में ऐड करके रख सकते हो और 1 वीक के लिए इजीली यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने यहाँ पे वही सेम एलोवेरा जेल का यूज़ किया है। आप कोई सा भी एलोवेरा जेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। आलमंड ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपके पास आलमंड ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल है, सिंपल कोकोनट ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हो। वो भी एक अच्छे मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल ऐड कर लिया है। इसके साथ यहाँ पे मैं लेमन एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। लेमन एसेंशियल ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, अगर है तो बहुत बेटर ऑप्शन है। मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन भी ऐड कर रही हूँ। आप अगर नहीं चाहते तो ये भी स्टेप आप स्किप कर सकते हो। अच्छी कंसिस्टेंसी में मॉइस्चराइजर बना लेना है। तो ये हमारा मॉइस्चराइजर भी रेडी है। तो हमारे तीनों प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है। अब आपको मैं इसका एक डेमो देके दिखाऊंगी।
ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये तीनों स्टेप के DIYs आपको दे दिए हैं, उनका सब्सिट्यूट भी दे दिया है, तो आप इन तीनों स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मैंने इनका डेमो भी दे दिया है, खुद की स्किन पे अप्लाई करके मैंने दिखाया है आपको। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और साथ में जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस कीजिए, मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। एंड अगर आपके इसी तरह के DIYs और चाहते हैं अपनी स्किन के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं हर चीज़ का DIY आपको बना के दूँगी। सो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। ऑडियो ड्रामा।